तो नमस्कार किसान साथियों, बात करते हैं इंदौर मंडी की सुबह की अपडेट और रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं आज का जो माहौल है, प्याज को लेकर कैसी उठापटक देखने को मिली हुई है। तो सारी सटीक जानकारी और गुड इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा। चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंचेगा। और किसान साथियों, बात कर लेते हैं तेजी के दौर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान साथियों लगता है कि आने वाले समय में नरमी भरा भी माहौल देखने को मिल सकता है। क्योंकि किसान साथियों, ज़्यादातर मंडियों में जो अपडेट है, रिपोर्ट है, वो किसान साथियों कल की अगर माहौल की बात करें तो नरमी भरा माहौल सभी मंडियों में देखने को मिला है। अगर आज की बात करें तो कहीं ना कहीं आज हल्की सी उछाल आने की जो संभावना है वो नज़र आ रही है, क्योंकि आवक के ऊपर जो डिपेंड होते हैं रेट किसान साथियों, कहीं ना कहीं अगर आवक कंट्रोल में आए तो आज हल्की सी उछाल आने की जो संभावना है वो बढ़ती हुई जरूर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों, कल एक दिन नरमी एक दिन उछाल रहने की ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर एक दिन नरमी रहेगा तो एक दिन हल्की सी तेजी आने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और कल की बात करें, इंदौर मंडी में कल लगभग 400 से लेकर 450 रुपये तक की जो नरमी भरा माहौल था वो देखने को मिला था, फिर भी ले वाले में अच्छा खासा जोश और जो मंडी का रेट है 3400-3500 रुपये तक के भाव में हाइएस्ट देखने को मिला हुआ था। किसान साथियों, आज ज़्यादा तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।